हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ स्टडी सर्कल में। मैं इंजीनियर सर सोलंकी। आज डिस्कस करेंगे रेलवे के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि जनरल साइंस के होंगे। और आपको मालूम है कि एएलपी टेक्नीशियन में और टेक्नीशियन की तो इस बार भर्ती अलग ही है, और एएलपी में और एनटीपीसी में और आरपीएफ में जनरल साइंस का रोल बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, हमसे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन द सलाइवा ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो द सिंपल में। आपको मालूम है जब अपन खाना खाते हैं तो जो सलाइवा बनता है तो वो जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंप्लेक्स में बदलता है। वो कौन सा शुगर है? तो वो होता है सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, समझ। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को वो क्या तोड़ता है। ठीक है, याद रखना। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है कि जो कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स है उसको ब्रेक डाउन करता है सिंपल शुगर्स में। ठीक है, क्या बोला है हमसे, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्ट ऑन द आर्म्स ऑन ए आर्मेचर इज द मैक्सिमम व्हेन द लेंथ ऑफ द आर्म। तो जब मैक्सिमम जब होता है जब वो परपेंडिकुलर होता है, तब वो क्या होता है आपका परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, देखो ये क्या होता है, एक कम्यूटेटर इज यूज टू द चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉइल ऑफ। आपको मालूम है कम्यूटेटर है जो चेंज मतलब किसके लिए यूज किया जाता है, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। अब देखो कम्यूटेटर एक्चुअल में होता क्या है, ये आप देख रहे हैं, ये कम्यूटेटर होते हैं, ये कम्यूटेटर होता है। ठीक है, ये क्या होता है और ये कॉइल में क्या होता है, जब डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर बोथ, जब इसमें हम क्या करते हैं, दोनों में ही क्या कर सकते हैं, कम्यूटेटर्स इसमें चेंज करते हैं। कॉइल अगर डीसी मोटर है या डीसी जनरेटर है तो दोनों में ही हम इसको चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन से। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर। ठीक है, ट्राइड्स, आपको मालूम है कि ट्राइड्स जो आया था उन्होंने ये बोला था कि आपके पास जैसे माने कि तीन एलिमेंट है। ठीक है, तीन है तो फर्स्ट वाले का और इनका सम करेंगे और उनका एवरेज लेंगे तो वो तीसरे के बराबर आएगा, जो आउटपुट आएगा तीसरे के बराबर, तो वो ट्राइड था। तो द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड, तो एवरेज एटॉमिक मास था, देखो ये था, डबल वॉल कुछ था ही नहीं, एटॉमिक मास इक्वल नहीं, एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये ट्राइड का एलिमेंट। लेकिन ये वाला रूल्स है ना पीरियोडिक टेबल में ज्यादा नहीं चल पाया। ठीक है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड रिक्वायर्ड टू बैलेंस ऑफ द केमिकल इक्वेशन। अब आपको क्या दिया, SO2 H2S, अब क्या बना रहा है 3S और प्लस आपका ये प्लस ही होगा और ये क्या हो रहा है आपके पास 2H2O। तो कितने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के चाहिए। अब देखो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स क्या चाहिए, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास 2 है और यहाँ पर क्या है 2 ही है, तो यहाँ पर क्या चाहिए आपको 2 चाहिएगा यहाँ पर, इसलिए क्या हो जाएगा 2, तो दो मॉलिक्यूल्स आपको रिक्वायर्ड होगी। फंक्शनल ग्रुप विच हैज मोर देन वन ऑक्सीजन एटम, तो आपको कार्बोजिलिक एसिड है, कार्बोजिलिक एसिड क्या है COOH, कार्बोजिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है। तो यही तो पूछ रहा है कि जिसके पास एक से ज्यादा ऑक्सीजन के एटम्स हैं तो कार्बोजिलिक है। एल्कोहल में क्या होता है, ओएल होता है अल्कोहल में। ठीक है, COOH है, कार्बोजिलिक एसिड होती है हमारी। थ्री रजिस्टर दे रखे हैं आपको, ये कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड बैटरी द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सिक्स। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आपको क्या है, अगर ये सीरीज में देखें तो सीरीज में तो आपको मालूम है कि सिंपल सा ही आपको तीनों को ऐड करना होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 3, 2, 6, तो यानी क्या हो गया, 6, 3, 9 और 2, 11, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं हमारे पास 11 है। वी हमारे पास कितना है, 9 वोल्ट की बैटरी कम ले सकती है। अब हम चाहते हैं कि 3 इसमें क्या हो जाएगा, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस जो 6 वोल्ट है, सॉरी हमारे पास 6 रेजिस्टेंस है उसमें हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, हमारे पास एक करंट की वैल्यू है। अब हमको क्या करना है, 6 वाले में निकालना है, 6 ओम के रेजिस्टर में निकालना है। तो क्या करना है, V=IR है। ठीक है, वोल्टेज हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, I की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9/11 है। रेजिस्टेंस किस में निकालना है, 6 वाले में, तो ये क्या हो जाएगा, 9×6=54 और डिवाइडेड बाई 11, 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 11×6=44। ठीक है, 0 और 1। ठीक है, आप लगाएंगे पॉइंट, तो 11×99। ठीक है, वो ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो बस 4.9 वोल्ट, तो ये आपका क्या आएगा, वोल्टेज जो निकली आपकी क्या आएगा, ये यहाँ से क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4.9 वोल्ट। ठीक है, ये होता है हमेशा जिस रजिस्टर्स में ना करंट के साथ लगा दो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो यही है, V=IR, करंट हमको निकालना पड़ेगा, जिस लैग में निकालना है तो हमने क्या है जैसे उसमें निकाल दिया। ठीक है, हमसे क्या बोला है,
हमसे क्या बोला है, डायलिसिस इज द प्रोसेस और डन टू रिमूव द बेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी व्हेन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज अफेक्टेड द स्टेप ऑफ डायलिसिस ऑफ द गिवन बिलो बट नॉट इन द प्रॉपर ऑर्डर। ऑर्डर क्या होना चाहिए, देखो आपको मालूम है कि अभी जैसे आपने जाना होगा कि प्रेमानंद महाराज जी भी अब डायलिसिस के लिए जाते हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है वो किडनी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती है, तो मतलब बॉडी के वेस्ट के लिए, और वो एक प्रोसीजर ही होता है डायलिसिस का। तो डायलिसिस में एक्चुअल में करते क्या है, तो उसकी ये प्रक्रिया, तो डायलिसिस में कहते हैं बेस्ट प्रोडक्ट है ना आपका निकालेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, पहले तो क्या होगा आपका क्या है जो हार्ट से होता है पूरा, और आपका किडनी से होगा, तो आपकी जो आर्टरीज है लाइन ऑफ आर्टरीज रहती हैं, तो यहाँ से कहते थे लाइन फ्रॉम आर्टरीज, लाइन फ्रॉम आर्टरीज से हम लगाएंगे, पहला हो गया। फिर हमारा क्या हो जाएगा, पेशेंट ब्लड पासेस थ्रू द टैंक एंड डायलिसिस फ्लूड, तो पेशेंट का जो ब्लड है पासेस करूंगे टैंक से थ्रू डायलिसिस के प्रोसेस से, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर तीसरा स्टेप आएगा हमारा, डायलिसिस हैज फ्लूड एट द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड, ब्लड एक्सेप्ट द बेस्ट, तो मतलब वो उस ब्लड प्रेशर को क्या होते हैं वो उसी पे सेम पे लाते हैं, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कह रहा जाता है उस फ्लूड को, ठीक है। फिर हमारा क्या हो जाएगा, बेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इन टू द डायलिसिस, जो बेस्ट प्रोडक्ट है ब्लड पासिस को उसको डायलिसिस फ्लूड से निकालेंगे, फिर लाइन ऑफ बीन्स। अब यहाँ पर क्या हो, ये तो सबसे आखिरी वाली स्टेप है ये वाला, लाइन ऑफ द बीन्स, फिर उसको लाइन ऑफ द बीन्स उसको जाना जाएगा। तो ये मतलब ये स्टेप्स पूछी गई थी, ठीक है। तो पहली तो यही रहता है कि हमको भैया कि लाइन ऑफ आर्टरीज, देखो आर्टरीज से आके बीन्स में जाना है, ए से बी में जाना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल द लीस्ट रिएक्टिव द रेट, देखो आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा तो आपका पोटेशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फरारी यानी कि एफ इस तरीके का, ठीक है। तो आपको कहीं ये देखो ये क्या हो गया, मैग्नीशियम ये हो गया बहुत ज़्यादा हो गया, आयरन इससे भी हो गया, आपके क्या जिंक हो गया, लीड क्या हो गया, लीड क्या हुआ बहुत ही, ये तो आगे बहुत ही ज़्यादा होती है। फिर आयरन के बाद क्या हो जाएगा, जिंक, एल्युमिनियम और फरारी, फिर क्या होएगा वो बी आएगा, फिर पी भी आएगा, फिर यहाँ पर फिर सबसे तो लिस्ट जैसे आपको बोले तो फिर गोल्ड होता है और उससे पहले सिल्वर है, ये इस तरीके का होता है, तो लीड है यहाँ से, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी भी रिएक्टिविटी सीरीज याद है ना तो उसी से काम चल जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे ही याद की थी ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। हमसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नहीं, देखो न्यूट्रलाइजेशन की जब भी आता है कि जब भी एसिड और एक बेस जब भी रिएक्ट करेंगे तो वो हमारी क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। अब देखो ये क्या है हमारा, ये बेस है HNO3, नाइट्रिक एसिड है ये, ठीक है। ये हमारा क्या है, एसिड, एसिड बेस जब भी रिएक्ट करेंगे तो आपकी क्या बनेगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनेगी, ठीक है। बेस को पहचानो, ये बेस है, ठीक है, ये है KOH, आपको साफ दिख ही रहा है यहाँ से। तो ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है और ये वाटर है, तो ये हाईली एक्सोथर्मिक है, ये एक्चुअल में कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल दे दिया, ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल दे दिया, और ये हाईली एक्सोथर्मिक, इसमें हीट बहुत ज़्यादा वो निकलती है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है प्लस हीट, यहाँ भी अगर कर सकते हैं अपन, हीट भी कर सकते हैं, हीट निकलेगी, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है कि कैल्शियम ऑक्साइड जब भी वाटर के साथ रहते हैं, इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोल सकते हैं, इसको क्विक लाइम भी बोल सकते हैं, क्विक लाइम भी बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है, फिर एक लाइम वाटर बन जाता है, ठीक है, इस एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। और एक्सोथर्मिक है, काफ़ी अंदर हीट निकलती है, ठीक है। तो आपको बस थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि एसिड और बेस में रिएक्शन कैसे कराएंगे। जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, HCl एक एसिड है, NaOH है, OH जो है मोस्टली बेस में ही होता है, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, तो ये क्या बचेगा, यहाँ पर H2O बनाया, मतलब एक साल्ट बनाया, साल्ट प्लस H2O बनाते हैं अक्सर, ठीक है। क्या पूछा है हमसे, व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो क्या मेन प्रोडक्ट बनते हैं, तो भैया अभी तो बताया था सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड बेस जब भी रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, तो हाइड्रोजन को, वाटर तो हाइड्रोजन ही है ना, ये सॉल्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, देखो आपको ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर, देखिए न्यूट्रलाइजेशन HCl और HCl एसिड हो गया, NaOH बेस हो गया, NaCl बनेगा यहाँ पर, NaCl हमारा सॉल्ट है और ये H2O हो गया, ठीक है। HCl के साथ NaOH बेस करेंगे ये हो गया, ठीक है, और ये भी वही हो गया, आगे पीछे लिख दिया और कुछ नहीं है, ठीक है। और ये भी H2SO4 है यहाँ पर, ठीक है, और ये नाइट्रोजन सल्फाइड हो गया यहाँ पर, ठीक है। और ये यहाँ पर देखो एसिड बेस है NaOH, ये OH आप यहीं भी लगा दो, बेस ही माना जाएगा, ठीक है। ये हो गया H2O,
एच ओ एच लिख जाए तो एच टू ओ प्लस एन ए सी एल जो कि साल्ट हो गया, ठीक है, एन ए टू एस ओ फोर और इसके साथ एच टू एस ओ फोर के साथ करा रहे हैं। देखो ये क्या है, हमको ये दे रखा है कि मतलब डायग्राम दे रखा है, तो इसमें बोल रहा है कि ये फाइंड द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट सेल। तो ये यहाँ पर ये जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो आपका कहाँ पर आएगा, रीजन वन में आएगा, रीजन टू में आएगा, रीजन फोर में आएगा। तो बेस्ट प्रोडक्ट आपके जो होते हैं, ये जो एरो फोर कर रहा है यहाँ पर क्या है, ये शो करेगा। और बेस्ट प्रोडक्ट आपके जैसे गम के फॉर्म में निकल जाता है इस तरीके का, ठीक है, और कुछ मतलब पत्तियों का झड़ना भी बेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, वही चीज़ है आपका, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये आपका क्या होगा, बेस्ट प्रोडक्ट होगा बाय एरो फोर, ठीक है, ये है। और देखो ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ये मतलब ये प्रोसेस है, फेलिंग ऑफ फ्रूट्स, पीकिंग ऑफ बार्क, इस तरीके की ये चीज़ है, वो बेस्ट प्रोडक्ट है, गम है, राइजन, इसका भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल पूछा जाता है। हमसे पूछा है कि एक निडल है जो कि प्लेस की है वो कि 2.5 फ्रॉम द पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ द लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना है हमको, लीनियर मैग्निफिकेशन आपको निकालना है, ठीक है। देखो फोकल लेंथ एफ दे रखी है उसने, और ये क्या रखी है, ये रखी तो 1 अपॉन एफ इजकल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी है, ठीक है। अब देखो फोकल लेंथ तो ये पॉजिटिव रहती है, यू क्या होगा आपका, यू क्या हो जाएगा, माइनस का 2.5 एफ होगा ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एफ की जगह पे तो एफ है, यू की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 1 अपॉन 2.5 है, तो ये माइनस का है तो इस तरफ प्लस में ले जाता हूँ, इस तरफ एक काम करता हूँ, इसको यहाँ कर देता हूँ, बस आपको इसकी वैल्यू तो रखनी है, इसके माइनस में आएगा तो इस तरफ क्या आएगा, 2.5 f, तो हमको b की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है, या तो और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, 5 × 10 = 25, थोड़ा और मतलब थोड़ा सा साफ लिखता हूँ, इसको क्या ले सकते हैं, हम क्या ले सकते हैं, 2/2, क्योंकि 5 × 10 हो गया और 5 × 25, ठीक है, 5 × 10 = 25, ये हमारा f है, ठीक है, ये हो गया। हमने LCM लिया 5f, ठीक है, तो एफ से फाइव, यहाँ पर क्या बचेगा, 2, ठीक है, ये क्या बचेगा आपके पास, b, यहाँ पर क्या बचा, 7/5f, और ये क्या होएगा, 1 अपॉन b, ठीक है, b हो गया। तो b की वैल्यू हम निकालेंगे, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, b की वैल्यू निकलेगी आपकी 5/f और ये 7, ठीक है, ये हो गया आपके पास, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है माइनस का b अपॉन u, ठीक है, माइनस का b अपॉन u, ठीक है, और b से देखो माइनस तो ऑलरेडी हमारी वैल्यू, चलो ठीक है, माइनस का 5f, ये 7 हो गया, और ये क्या हो गया, माइनस का u, u की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2.5, इसका देखो आप 2.5 लिखने की जगह हम क्यों इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 × 25, 5 × 10, इस तरीके से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना, 5 × 25, 5 × 10, ठीक है, ये हो जाएगा। तो माइनस से माइनस तो ये ऐसे कट जाएगा, इसका प्रोडक्ट इससे, इसका प्रोडक्ट इससे, तो क्या करेंगे, तो 5 × 2 और f की f कट जाएगा, ये भी f से f कट जाएगा, और क्या बचेगा हमारे पास, ये क्या बचा, 5 × 7 × 5, तो क्या आएगा, ये से ये कट गया, तो हमारे पास क्या आएगा, 2/7 लिख रहा हूँ मैं, क्या बना रहा हूँ, ठीक है, ये। अब बस आपको ये कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि u जो आपको नेगेटिव लिया है और f ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पर, ये फोकल लेंथ f ही दे रखी है, बस उसी से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा, ठीक है, देखो मेथोनिक एसिड इज सीक्रेटेड बाय द नेटल प्लांट इन द लीव्स, जो मेथोनिक एसिड होता है जो कैसे सीक्रेट होती है, जो नेटल प्लांट्स होते हैं उससे सीक्रेट होती है, बिल्कुल सही बात है। एसिडिक एसिड इज फाउंड इन द विनेगर, बिल्कुल मालूम है, CH3COOH, तो ये जो आपको एसिटिक एसिड में आपको वहीं से विनेगर से मिलता है। टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है 5.5, ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ALP ने पूछा हुआ है, ये स्टेटमेंट से तो इंपॉर्टेंट मार्क है ना, बहुत बार। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस बेस बाय द डिग्रेडेशन ऑफ द रिमेनिंग फूड पार्टिकल प्रेजेंट इन द फूड्स, नहीं ये गलत है कि ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं माउथ में वो कैसे मतलब बेस करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ द रिमेनिंग ऑफ द फूड, नहीं ऐसे नहीं है, ठीक है। तो यही हमारा इनकरेक्ट पूछा था, बाकी सारे करेक्ट हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, देखो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है थोड़ी जटिल तो होती है, तो पर लेकिन बोले नेसेसरी कंपोनेंट क्या होता है, देखो फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए, मतलब जो प्लांट है उनका भोजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड,
तो हमको एक तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है, ये तो है ही हमारे। ऑक्सीजन उनको नहीं चाहिए, उनको ऑक्सीजन तो भैया वो उसको निकालते हैं, ऑक्सीजन तो हम ह्यूमन बींग्स को चाहिए, ऑक्सीजन वाला ऑप्शन तो पहले ही निकाल दो। ऑक्सीजन देखो तीनों में ऑक्सीजन वाला तो आप वैसे ही निकाल दिया करो। ये थोड़ा सा वैसे ट्रिकी घुमा के पूछ लेते हैं, ठीक है। पहले तो भैया पहले सनलाइट चाहिएगी, सनलाइट्स को फिर क्या वो करेंगे, ये केमिकल एनर्जी को वो चेंज करेंगे, उसको फूड में अपने चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उनको चाहिए क्योंकि इनका तो मेन प्रोडक्ट तो यही बनाना है। वाटर की जरूरत पड़ेगी, सनलाइट की जरूरत पड़ेगी, क्लोरोफिल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ऑक्सीजन की उनको नीड नहीं होती है, ऑक्सीजन के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। टू वायर्स आर द सेम लेंथ सेम रेजिस्टेंस बट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ये उतना है। तो देखो R इक्वल टू क्या होगा, रो L अपॉन A, ठीक है, ये हो गया। ये क्या रेशियो बन जाएगा हमें, R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो हमको क्या निकालना है, उनकी कह रहे हैं बस इनका रेशियो लेना है, ठीक है, बाकी सबको सेम है। और बाकी क्या दिया, 1:8 है, तो वो 1:8 ही रहेगा, बताओ कोई चेंजेस ही नहीं है। अगर एरिया में कुछ चेंज कर दे, बाकी तो सारी सेम लेंथ है, लेंथ अगर यहाँ पर कुछ डबल कर देते तो बात होता, तो सेम की सेम रेशियो रहेगा ये, ठीक है, कुछ चेंज ही नहीं किया उन्होंने। हमसे बोला है कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था पी प्लांट के साथ, टॉल लेंस इज कॉल्ड द डोरमेंट ट्रेट कंपेयर टू द शॉर्ट नेट बिकॉज, देखो अब इन्होंने क्या किया, जैसे आपके मालूम है कि टॉल नेस वाली को उनको डोरमेंट कह रहे थे, मतलब ट्रेट कह रहे थे, ऐसा क्यों उन्होंने बोला था, बिकॉज वॉज द टॉल रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट हैड गॉन इट हैज 1 जीन और 2 जीन्स, इसको एलिस बोलते हैं फॉर टॉल नेस, क्योंकि अच्छा ये मतलब ये टेबल बनाई थी। देखो ये क्या है, देखो आपके समय में नहीं आएगी, देखो यहाँ पे क्या लिया आपने, ये क्या किया आपने, यहाँ पर लिया टी और यहाँ पर क्या लिया आर ले लिया, ये मतलब छोटा टी और बड़ा टी ले सकते थे, इन्होंने ऐसे ले लिया था, ठीक है। अब ये है यहाँ पर, इसका इससे प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा टी आएगा, इससे इससे प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा फिर भी टी आएगा। तो ऐसे ही इन्होंने एक टेबल बनाई थी इन्होंने, तो वो क्या था, टॉलनेस में मतलब कि डोरमेंट ज़्यादा था और ये डर्फ प्लांट वाले वो डर्फ हो गए थे, इसलिए क्या कहिए 2 जीन्स आर फॉर टॉलनेस, इस वजह से 2 जीन्स हमारे टॉलनेस के लिए आ रहे थे। और टिशू रिपेयर कैसे करने, बिच मतलब किस टिशू, बिच ऑफ द फॉलोइंग टिशू हेल्प द टिशू रिपेयर, तो एलोर टिशू जो करते हैं वो क्या करते हैं, टिशू रिपेयर करते हैं एलोर, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा है हमसे, द सर्किट कंसिस्ट ऑफ 3 रेजिस्टर R1 R2 R3 हैविंग द वैल्यू ये रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड टू द बैटरी एंड ईच ऑफ द रेजिस्टेंस पैरेलल, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है, देखो देखो पैरेलल में जोड़ा है तो आपको मालूम है कि 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, एलसीएम लिया 30, 5 6 30, 10 3 30 और 30 1 2, तो ये क्या हो जाएगा 6 3 9 1 10, 10/30, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट मान सकते हो, तो इसको जस्ट अपोजिट कर दो, R इक्विवेलेंट यानी कि रेजिस्टेंस इसको हो जाएगा, तो क्या आएगा 30/10, ठीक है, तो ये कहेगा 3, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 3 ओम का ये क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। द इमेज ऑफ F द इमेज ऑफ स्टार इज ऑब्टेन F यानी कि फोकल लेंथ पे ही हमको मिल रही है, ठीक है, ऑफ कौन के मिरर व्हेन द इंसिडेंट रेज, देखो अगर जब भी कोई इमेज है आपकी, देखो ये डायग्राम है ही ऑलरेडी, देखो ये आपकी इमेज पे मिल रही, तो वो कैसी रहती है, वो पैरेलल रहती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन ए लाइट ऑफ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड टू द कन्वर्जिंग ऑफ द कन्वर्जेंस एट द मिरर फोकस, ठीक है, कहीं से भी डालोगे वो फोकस से निकल के जा रही है, तो है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या होती है आपकी, सेम इमेज मिलती है, ठीक है, सेम इमेज मिलती है, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। हमसे बोला है कि 3 रजिस्टर है जो कि कनेक्ट किया है 5 ओम के सीरीज में, तो अगर 3 रेजिस्टेंस अगर मैं सिंपल किया तो इफेक्टिव क्या आएगा, 15 ओम का एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। ऑफ ए बैटरी, बैटरी कितनी दी आपको 10 वोल्ट की ये दे रखी है, ठीक है, कनेक्टेड टू द टू एंड ऑफ द सीरीज, कैलकुलेट द करंट, तो ये तो बहुत ईजी है, तो वी इक्वल टू आई आर लगाओ, वी इक्वल टू आई आर, वी की वैल्यू 10 है, आर की वैल्यू आपके पास 15 है, और ये हो गया 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, तो क्या हो जाएगा 2 से हम डिवाइड कर देंगे इसमें 3 में, पॉइंट लगाएंगे हम 0 3 6 18, ठीक है 0, तब भी क्या है 3 6 18 यानी कि 0.66 जाएगा, तो इसको क्या है 0.67 क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं 0.667, ठीक है। देखो हमसे क्या दिया है, अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप
ग्रुप वन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक रेडियस। देखो आपको मालूम है कुछ, आपको पीरियोडिक टेबल थोड़ी सी भी आपको आइडिया होगा तो बना सकते हो। देखो ये क्या हो गया आपके पास, ये अल्कली है, ये अल्कली अर्थी मेटल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर तो हमारा हाइड्रोजन हो गया, तो क्या हो जाएगा लीना का रब से फरिश्ता इस तरीके से। ये आलिफ को सीधे दिख गया। आपको मालूम है कि सबसे बड़ा जो होगा एटॉमिक रेडियस किससे होगा, सीजियम का होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, सीजियम, फिर रूबियम, फिर आपका क्या होगा पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम, बस ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का 11 है, 8-8 ऐड ऐड करते जाएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा हमको क्या बोलना है कि इसको कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो कन्वर्ट करें। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते तो ये क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको करना है। सीजियम इज ग्रेटर देन का साइन भी लगा है, रूबियम हो गया, ठीक है। बस आपको बस कितना बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया है थोड़ी सी पीरियोडिक टेबल से। अब एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपको निकालना है, वो किस पर डिपेंड करेगा, तो वो किस पर डिपेंड करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट पे, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ बोथ किस पर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगा और करंट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ए रे, ए रिफ्लेक्टेड रे विल फॉलो द सेम पाथ बट इन रिवर्स नेचर पासिस थ्रू द पोल एंड। देखो अब क्या हो जाएगा आपके पास, ये है, ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे ये है आपके पास, ये जाना है, अगर इसी से सेम पाथ से रिवर्स कर रहा है, इसी पे जा रहा है, तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द फोकल प्लेन, जो फोकल प्लेन है उससे क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, उसी टाइप से आएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, उसी रे से आई उसी से गई, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑर्डिनरी गैसेज डू नॉट शो डिस्पर्शन विथ विजिबल लाइट, ठीक है। आपको मालूम कोई ऑर्डिनरी गैस डिस्पर्शन ऑफ विजिबल लाइट, दिस इज बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ विजिबल लाइट। तो क्या होता है, देखो एलमोस्ट क्या होती है, उनकी सी के जो स्पीड ऑफ लाइट है उनकी बराबर सेम ही रहती है। आपको मालूम है कि कुछ जो ऑर्डिनरी गैसेज है उनका डिस्पर्शन वो मतलब बहुत ही कम ही होता है, वो ना के बराबर ही होता है। तो उनकी जो क्या होती है, उनकी मतलब जो वेलोसिटीज होती है वो लगभग स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होती है, ठीक है। और वो भी बोलिए वैक्यूम मीडियम में उन्होंने बोला है, ठीक है। सी, सी क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये जो है वीडियो पसंद आया होगा, और जनरल साइंस के आप ये क्वेश्चन करते रहें, क्योंकि जनरल साइंस का से ही बहुत ज़्यादा बच्चे घबरा रहे हैं, और जनरल साइंस के वही क्वेश्चन करें जो एग्ज़ाम है। ये सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये एग्जाम की क्वेश्चन लिए हुए हैं, और ये रेलवे के ही एग्जाम है, इसके लिए क्वेश्चन है, और कुछ में नहीं है, ठीक है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।